हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि जैन और आज का टॉपिक है हेल्थ और वेलनेस के बारे में। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि हम अपने लाइफ में बिजी शेड्यूल में कैसे अपने आप को फिट और हेल्दी बना सकते हैं। इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है जो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर वेलनेस कोच है, जिनका नाम है डॉक्टर ओमकर, जो हमें बताने वाले हैं हेल्थ के विषय के बारे में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दिया गया है। हम क्रिकेट के बारे में डिस्कस करते हैं, किसी पिक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, हेल्थ के बारे में तो कभी डिस्कस नहीं किया। दोस्तों देखिए, ये जमाना आ गया है कि हमें हेल्थ के बारे में डिस्कस करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपने भी सुना होगा या आपके जान पहचान में हुआ होगा कि बहुत सारे हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पाचन की बीमारियां हैं, मोटापा बढ़ रहा है, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें बढ़ रही है, बहुत सारे पेशेंट उल्टे बढ़ रहे हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस लंबर स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट बढ़ रहे हैं, घुटनों के दर्द वाले पेशेंट बढ़ रहे हैं। और सबसे मजेदार चीज और दुर्भाग्यपूर्ण चीज तो यह है कि अभी छोटे छोटे बच्चों को भी ऐनक लगने लग गई है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गरीब के बच्चे, सभी जगह पे कोई भी है, अमीर हो या गरीब हो, ये पूरा किसी को भी ये तकलीफ हो रही है। क्या सवाल मन में पैदा नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, आज हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए क्यों हो रहा है तो आपको बहुत सारे कारण मिलेंगे, उसमें से कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूं। पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारा काम करने का जो तरीका है वो तरीका बदल गया है। हम कष्ट से पैसा नहीं कमाते, बहुत कम लोग हैं वो कष्ट करके पैसा कमाते हैं, शारीरिक कष्ट करके। हम सब तो पढ़े लिखे हैं और बौद्धिक कष्ट करके हम एक जगह पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं। बहुत स्ट्रेस आ गया है, बच्चों से बूढ़ों तक सभी की जिंदगी में बहुत बड़ा स्ट्रेस आ गया है। पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, तणनाशक का यूज बढ़ रहा है और वो हमारे पेट में जा रहा है। हम जो आज खाना खा रहे थे वो खाना बहुत ही ज्यादा प्रोसेस करके हमारे पास पहुंच रहा है या हम बना रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं ना, बहुत सारी गलत हमारी जो लाइफस्टाइल हमने बनाई है ना, उसकी वजह से ये हो रहा है। प्रदूषण का अगर आपने देखा तो देखिए कि पिछले 30 साल से अगर प्रदूषण की मात्रा देखिए, प्रदूषण का प्रमाण देखिए, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम दूध को संपूर्ण आहार मानते हैं, लेकिन जो गाय और भैंसे दूध देती है उनको ही इंजेक्शन दिया जाता है दूध बढ़ाने के लिए। फिर उसमें बहुत सारे कुछ कुछ केमिकल डाले जाते हैं उसकी डिग्री बढ़ने के लिए। हमारे पास, आपके पास जो भी कुछ सब्जियां पहुंचती है, फ्रूट्स पहुंचते हैं, हर एक के ऊपर फवारे डाले जा चुके हैं। और दोस्तों यही कारण है कि ये जो अलग अलग पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइजर से, इससे बहुत ही विषैले परिणाम हमारे शरीर के ऊपर होते हैं और वो स्किन डिजीज से पूरा जेनेटिक डिफेक्ट तक, यानी जो भी कुछ आने वाली पुश्तियां होंगी, आने वाले बच्चे होंगे, उनमें भी डिफेक्ट पैदा होते इन कीटनाशकों की वजह से। ऐसा हो रहा है। देखिए दोस्तों, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? ये जो हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना, इससे बढ़ रहे हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, यानी शारीर मानस व्याधियां। एक तो शरीर को व्याधि होती है या मन को व्याधि होती है, बहुत सारी। और कौन कौन सी व्याधियां होती है देखिए, कैंसर होगा, शुगर यानी डायबिटीज, मोटापा, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, अल्सर, बहुत सारे हड्डियों के संधियों के आजार, एनीमिया, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती है। और ये ऐसी बीमारियां ये है कि आप दो तीन दिन गए और कोई इंजेक्शन लगवा लिया, दो तीन गोलियां खा ली और ठीक हो गए, ऐसे ये बीमारियां है ही नहीं। जिंदगी भर आपको इलाज करना पड़ेगा, सालों साल आपको इलाज करना पड़ेगा। आपको अगर भर्ती करना पड़ा हॉस्पिटल में तो बहुत ही बड़ा खर्चे वाली ये बात जो है ना, वो साबित होने वाली है, वो बहुत ही बड़ा खर्चा। ओके, 2000 से 5000 तक खर्चा एक दिन का आता है दोस्तों। लेकिन कैसा है कि जब ऐसे लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो उस वक्त वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। वो किधर से भी पैसा उठाएंगे, किधर से भी कुछ भी करेंगे और वो रेडी है कुछ करने के लिए। लेकिन क्या बीमार होने के बाद ये सब कुछ करना चाहिए
या बीमार ही ना पड़े, इसके लिए अगर कुछ करना पड़े तो करना चाहिए। मुझे लगता है कि यही ठीक होगा। देखिए दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें सोचना पड़ेगा ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में, आदर्श आरोग्य के बारे में। किसे बोला जाता है आदर्श आरोग्य दोस्तों? चार इसके खंभे हैं। पहला जो खंभा है वो है एक्सरसाइज, दूसरा है एटीट्यूड, तीसरा है रेस्ट और चौथा है न्यूट्रिशन। EARN, अर्न। आपको हेल्थ भी अर्न करना पड़ती है। जैसा पैसा हम अर्न करते हैं ना, वैसे ही ये जो हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना, तो ये वेल्थ भी हमें अर्न करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं आएगी वो। ओके, तो देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए? एक्सरसाइज दोस्तों, एक्सरसाइज करना अच्छा है ये सबको तो मालूम है, लेकिन क्या सब लोग करते हैं? नहीं करते। क्यों करना चाहिए? देखो दोस्तों, जो एक्सरसाइज हम करते हैं उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे शरीर में खून का फैलाव अच्छी तरीके से होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई सभी जो हमारे शरीर के अवयव है उनको अच्छी तरीके से होता है। इससे क्या होता है कि वो ऑर्गन अच्छी तरीके से हमें कोऑपरेशन करते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं हमें। अगर उनका ब्लड सर्कुलेशन नहीं अच्छा हुआ तो वो हमें कैसे साथ देंगे? एक्सरसाइज से इम्यूनिटी बढ़ता है, और सबसे बढ़िया बात है दोस्तों कि एक्सरसाइज से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, स्ट्रेस रिलीव करने वाले कुछ एंजाइम्स, कुछ पाचक स्राव ब्रेन में पैदा होते हैं। देखो दोस्तों, आज जो कोरोना की वजह से बहुत ही लोग डिस्टर्ब हैं, बहुत सारे लोगों के धंधे चौपट हो चुके हैं, बहुत सारे अड़चने जगह जगह पे हैं। तो अगर इस स्ट्रेस से हमें उभरना है तो पहले चीज करना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज शुरू करना पड़ेगा। सवाल दूसरा आता है कि कौन सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। दोस्तों, तीन टाइप की एक्सरसाइज हमें करना बहुत जरूरी है, और ये बहुत जरूरी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि शरीर का एक नियम ध्यान रखो, यूज इट और लूज इट। अगर शरीर को, शरीर के अवयवों को आपने अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो आप उन्हें गमा सकते हैं। अगर आपके जो मसल्स हैं, आपकी जो हड्डियां हैं, उनको आपने अच्छी तरीके से काम में नहीं लाया तो उनका साथ आपसे छूट सकता है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां उनको हो सकती है। तो कौन से एक्सरसाइज जरूरी है? फास्ट वॉक, पहला एक्सरसाइज। आपको 20-30 मिनट फास्ट वॉक बहुत जरूरी है। दूसरा एरोबिक्स, यानी हम जो कवायते करते हैं, ये कवायते, सूर्य नमस्कार, ऐसी जो एक्सरसाइज है उससे क्या होता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना दोस्तों, हमारे पेट के अंदर बहुत ही ऑर्गन्स हैं, लिवर है, स्प्लीन है, किडनीज है, हमारे इंटेस्टाइन यानी आंतड़े हैं, और बहुत सारे जो भी कुछ अवयव है उनका ब्लड फ्लो बढ़ता है, और उनका ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से वहां की इम्प्यूरिटीज जो है वो ब्लड फ्लो में आके वो शुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो एरोबिक्स जरूरी है। और तीसरा जो है वो योगा, वो भी इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छी तरीके से हमें फायदा पहुंचाता है, और उसमें से भी जो दीर्घ श्वसन यानी डीप ब्रीदिंग, लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, ये जो है ना, ये बहुत ही कारगर साबित होता है, क्योंकि हमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। तो दोस्तों, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। चलो चलते हैं दूसरे खंबे की ओर, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें सकारात्मक सोच बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, जो थॉट्स हम बोलते हैं ना, वो थॉट्स माने ब्रेन में तैयार होने वाले केमिकल्स, थॉट यानी ब्रेन में तैयार होने वाले केमिकल्स। आपको आज अच्छा लग रहा है, आपको आज बहुत बोर हो रहे हैं आप, आपको बहुत डर लग रहा है, आप टेंशन में हैं, आप बहुत गुस्सा हो रहे हैं, जो भी कुछ ये भावना है ना, ये जो इमोशन है ना, ये इमोशन यानी हमारे ब्रेन में तैयार हुआ एक केमिकल, और अगर वो केमिकल तैयार हो गया, वो अच्छा हो या बुरा, वो उसका परिणाम करेगा, वो उसका परिणाम करेगा। तो अभी ये आपके हाथ में
कि आपको आपके शरीर पर कौन से परिणाम चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव। देखो दोस्तों, ये निगेटिव थॉट यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू निगेटिव केमिकल्स इज इक्वल टू हाउस ऑफ डिसीजेस, हाउस ऑफ डिसीजेस, बीमारियों का भंडार आपके पास आएगा, उसके पास आएगा जो निगेटिव सोचता है, वो निगेटिव बातें करता है। कौन कौन सी बीमारियां, बहुत सारी, उसमें से दो चार अगर बोलना चाहूं तो वो आएगा ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्किन डिसऑर्डर, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, डिप्रेशन और बहुत सारी बहुत सारी। दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, उनको बड़े प्यारे लगते थे ये जो तीन बंदर है ना, ये तीन बंदर जो है ना वो बहुत कुछ हमें मैसेज देते हैं। वो क्या बोलते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, निगेटिव देखो मत, सुनो मत और कहो मत, मुंह में से निकालो मत। और हमारी सभी लोगों की यही आदत हो गई है। देखो आप खुद को झांक के देखो एक बार, पता चलेगा कि जो भी कुछ अगर गड़बड़ी हो रही है क्यों हो रही है। अगर निगेटिव आप बीज बो रहे हो आपके ब्रेन में तो निगेटिव ही फसल आनी है मेरे दोस्त। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? ओनली ऐसी, हमें सिर्फ ऐसी ही चीजें हमें पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए और बोलनी चाहिए जो अच्छी हो, जिससे किसी को फायदा होता हो, जिससे किसी का और आपका उत्साह बढ़ता हो, पॉजिटिव थिंग, वही हमें देखना चाहिए, बोलना चाहिए और सुनना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि समझो कोई भी अगर चीज आपको अच्छी लगी, आपने देखी, आपने सुनी या पढ़ी, और अगर आपने उसको दोहराया नहीं तो वो आप मिस कर जाओगे, वो निकल जाएगी आपके हाथ से, वो निकल जाएगी। तो किसी को बताओ, क्योंकि जब आप बताओगे ना वो रजिस्टर होगा ब्रेन में। ओके, दूसरी चीज, कैसे आप पॉजिटिव बन सकते हैं? किसी भी कोई नीडी पर्सन है, कोई एक ऐसा पर्सन जिसको मदद चाहिए, उसको मदद करो और एक्सपेक्टेशन के बिना मदद करो, देखो कितना अच्छा लगेगा आपको। आप पुरानी भूतकाल में घटी हुई घटनाओं को पकड़कर मत बैठो, छोड़ दो उसको, माफ कर दो लोगों को, क्योंकि जितना आप पकड़ोगे ना उतना आप ज्यादा हर्ट हो जाओगे और ज्यादा बीमारियां आपकी तरफ आना चालू हो जाएगा। Forget and forgive others. Be thankful to God for your current status. आज जो भी कुछ आप हो, जो भी कुछ आपकी सेहत है, आपकी financial status है, जो भी कुछ है, उसके लिए पहले भगवान का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दोस्तों मैं डॉक्टर हूं और मैं आपका एक उदाहरण बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, हम कभी हमारे शरीर का भी कभी थैंक्स अदा नहीं करते, शुक्रिया अदा नहीं करते। मैं एक मेरे पेशेंट के पास गया था, मुझे बुला के आप चलो कोई प्रॉब्लम आ गया, मैं गया तो पता चला कि उनको रात जो सोते थे तो सोते वक्त ही उनको जबरदस्त पैरलिस के अटैक आ गया था, वो अपना दाहिना हाथ और पैर उठा नहीं पा रहे थे, वो इतना रो रहे थे। ठीक हो गए बाद में, कुछ दिन बाद, महीनों बाद वो ठीक हो गए, लेकिन हम जब सोते हैं तो हमें मालूम ही नहीं है कि हम जब उठने वाले हैं तो क्या सही तरीके से हमारे सब हाथ पैर आंख वगैरह सब ठीक चलेंगे या नहीं चलेंगे, मालूम नहीं है। और अगर आप यहां बैठे हो, सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, दोस्त पहले भगवान का शुक्रिया हम सबको अदा करना चाहिए। ओके, बी थैंकफुल टू गॉड फॉर योर करंट स्टेटस। ओके, और आज तक आपको जितने भी लोगों ने मदद की है, जितने भी लोगों ने, अपने घर वाले हैं, अपने टीचर्स हैं, सब लोगों, सभी लोगों ने, हमारे दोस्त लोग रहते हैं, सभी लोगों ने, जितने लोगों ने आपको मदद की है, मन ही मन उनका थैंक्स अदा करो। ये बहुत पावरफुल ये मेथड है जिससे आप अच्छा महसूस करते हो, अच्छे केमिकल्स आपके शरीर के अंदर पैदा हो जाएंगे। तीसरा जो फाउंडेशन है वो है रेस्ट। हमें अच्छी रेस्ट बहुत जरूरी होती है, रेस्ट टाइम, ये जो टाइम रहता है ना,
ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत लोगों को लगता है कि अरे ज्यादा सो गए या सो गए तो मेरा टाइम बर्बाद हो गया। सॉरी दोस्त, रेस्ट टाइम ये फाउंडेशन है आपके परफॉर्मेंस का, आने वाले परफॉर्मेंस का। क्योंकि दिन भर हम जो भागदौड़ लगाते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर जो अवयव रहते हैं उनमें बहुत सा चीज पैदा हो जाता है, तो वो पूरा भर के आता है। जब आप सोते हो ना तो ये पूरा का पूरा भर के आता है। तो अच्छी नींद बहुत जरूरी है, 5 से 7 घंटा नींद आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, तो इसके लिए लेकिन कुछ करना पड़ेगा आपको, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। गोलियों से नहीं आएगी ये नींद, या वो नहीं करना है हमें। तो क्या करना है, तो पहले एक छोटी चीज करो, रात को बहुत देर तक जागना पहले बंद करो। 10:30-11 के बाद मोबाइल और टीवी देखना पहले बंद करो। अच्छी किताब पढ़ने की आदत रात को लगा लो आप। रात को सोने के पहले अच्छी किताबें आपको पढ़नी है, 2 पेज पढ़ो लेकिन पढ़ो। ओके, लंबी लंबी सांस लो। ओके, तो इससे क्या होता है कि आप हम शांत होते हैं और फिर आप सो जाओ, देखो नींद कितनी बढ़िया आएगी। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा खंबा है वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन एट प्रॉपर टाइम विद प्रॉपर मेथड। दोस्तों ये बहुत जरूरी बात मैं बता रहा हूं, सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशन। खाना तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन क्या वो खाना सेहतमंद है, आपको कुछ फायदा दे रहा है? आप सही टाइम पे खाना खा रहे हैं और क्या सही विधि से खाना खा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। देखो दोस्तों, देखते पहली चीज तो टेक योर डाइट ऑन रेगुलर टाइमिंग्स। आपकी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। आज 9 बजे नाश्ता कर लिया, परसों 11 बजे नाश्ता कर लिया, 2 दिन फिर नाश्ते को टाइम ही नहीं मिला। सॉरी दोस्त, आपकी बॉडी कंफ्यूजन में जाएगी कि ये क्या आदमी का क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्या चल रहा है इसका, पाचक स्रोत निर्माण करे या ना करे उसको मालूम नहीं है। और आपको भूख लगती है और आप खाना नहीं खा रहे, तो वो उससे भी ज्यादा हानिकारक है। दूसरा जो पॉइंट वो देखिए, ईट ओनली एट योर मीलिंग टाइमिंग्स। आपको जब भूख लगती है तब खाना अपने खाना चाहिए, क्योंकि वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया अंदर आपके पेट के अंदर। और अगर आप खाना नहीं दे रहे तो अंदर के जो लाइनिंग है ना उसके ऊपर ही काम करना चालू कर देगा। जब आपका खाने का टाइमिंग है तभी खाना खाइए, बार बार आते जाते खाना मत खाइए, वजन बढ़ेगा बहुत आपका। तीसरा पॉइंट है कंज्यूम लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। बहुत ज्यादा आपको खाना जरूरी है, कितना हम बाद में देखेंगे। रिस्ट्रिक्ट स्पाइसी फूड एंड सॉल्ट, ज्यादा सॉल्ट ज्यादा स्पाइसी मत खाइए दोस्तों, ये तकलीफ देगा आपको, पूरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है। पांचवी बहुत जरूरी चीज है, नेवर कंज्यूम आइसक्रीम्स फ्रूट एंड स्वीट्स आफ्टर मील्स। खाना खाने के बाद कभी भी आइसक्रीम नहीं खाने का, फ्रूट नहीं खाना है और मीठा नहीं खाना है खाना खाने के बाद में। और आज क्या हो रहा है दोस्तों, जब हम किसी भी बफे डिनर में जाते हैं या किधर भी जाओ, आप किसी की शादी में जाओ या बर्थडे पे खाने के लिए जाओ, तो वहां लास्ट वाला स्टॉल रहता है स्वीट का, लास्ट वाला स्टॉल रहता है चाय या कॉफी का, लास्ट वाला स्टॉल रहता है आइसक्रीम का। पूरी गलत चीज है, साइंस इसको अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो या स्वीट खा रहे हो, तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उससे बहुत ज्यादा कफ पैदा होगा, आपको बार बार सर्दी जुकाम होगा, आपको बार बार खांसी आएगी, आपको दमे की तकलीफ अगर है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, दुरुस्त नहीं होगी, आपको स्किन डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये कब खा सकते हैं आप, खाना खाने के पहले खा सकते हैं। आपको आइसक्रीम खाना है शाम को खाओ, खाना खाने के बाद नहीं। ओके, छठा मुद्दा जो है ऑयल, कितना ऑयल कंज्यूम करना चाहिए, 500 ml पर पर्सन पर मंथ, 500 ml पर पर्सन पर मंथ, 1 महीने में एक आदमी को 500 ml। अभी आपके घर में कितने लोग रहते हैं वो आपको मालूम है, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आपका जो भी कुछ प्रमाण है वो मिल जाएगा। 4 लोग है तो 2 लीटर लगना चाहिए, 6 लोग है 3 लीटर लगना चाहिए, इस वजह से। ओके, पानी कितना पीना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों। कुछ लोग बोलते हैं दिन में 4 लीटर 5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए,
नहीं दोस्त, देखिए हम सब शास्त्र क्या कहते हैं ना इसको देखेंगे। डॉक्टर कोर्टिकर को मत फॉलो करो, किसी भी डॉक्टर को मत फॉलो करो, शास्त्र को फॉलो करो। और साइंस क्या बोलता है, जो लोग धूप में नहीं काम करते, जो लोग धूप में काम नहीं करते उनकी नीड कितनी है, 10-12 ग्लास ऑफ वाटर, 200 ml का एक ग्लास, यानी 2-2.5 लीटर एक दिन में ठीक है। अगर आप धूप में घूम रहे हैं, आपका मार्केटिंग का जॉब है या आप खेती कर रहे हैं तो आपकी नीड बढ़ेगी, तो आप पी सकते हैं। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे हैं तो वो किडनी को ओवरलोड होगा, बार बार आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, इससे फायदा तो कुछ नहीं है। और ये भी उसका भी एक लिमिट है, किडनी ने कितना फिल्टर करने का 24 आवर्स में, उसको भी एक थ्रेशोल्ड है, उसको लिमिट है। उससे ज्यादा जब आता है ना तो वो पानी पूरा शरीर के अंदर बैठना चालू हो जाता है और बहुत बहुत अलग अलग बीमारियां पैदा शुरू कर देता है। तो दोस्त पानी जरूरी है, लेकिन वो सही प्रमाण में जरूरी है। सही प्रमाण जो है वो शास्त्र बताता है 2-2.5 लीटर एक दिन में, तो वो आप करेक्ट करें। और आठवीं चीज जो है, कभी भी खाना खाने के बाद में इमीडिएटली आप सोना नहीं चाहिए आपने, ये प्रोहिबिटेड है। दोपहर को या रात को खाना खाने के बाद सोने का नहीं है, दोपहर को तो सोना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको सोना है खाना खाने के पहले सो सकते हैं या खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद सो सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली मत सोइए, उससे बहुत अलग अलग बीमारियां आप इनवाइट करेंगे। दोस्तों हम क्या देखने जा रहे हैं, हम सेल्युलर नरिशमेंट थेरेपी देखने जा रहे हैं। हमारा जो शरीर है वो अब जो सेल से बना हुआ है, और वो जो सेल्स रहती है वो सेल्स का पोषण हमारे अन्न से, हमारे आहार से होता है। ये सेल से हमारे ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है। जब तक संतुलित आहार और पोषक तत्व हमें नहीं मिलते तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। और ये कैसे मिलेगा, तो इसके लिए फूड पिरामिड बताया गया है। देखिए दोस्तों ये जो फूड पिरामिड है, ये फूड पिरामिड क्या बोलता है कि दिन में जो आपकी आप चपाती खा रहे या ब्रेड खा रहे, ऐसी चीजें जो है 8-10 वेजिटेबल, 3-5 सर्विंग्स, फ्रूट्स आपने दिन में 3-5 खाने चाहिए। एक दिन का सब चालू है, ये एक दिन का फूड पिरामिड है, एक हफ्ते का नहीं है। एक दिन में 3-5 फ्रूट, 3-5 वेजिटेबल्स, जो दूध या ताक है वो 2-3 गिलास, अगर आप नॉनवेज ले रहे हैं वो 2-3 सर्विंग्स आपको वो आप ले सकते हैं। और जो बटर है, क्रीम है, ऑयल है, स्वीट है, वो बहुत कम बहुत कम। कभी कई बार आपको खाना है, और मैंने आपको बताया कि ऑयल तो कितना है, तो 500 ml पर पर्सन पर मंथ, ये उसका प्रमाण है। अभी देखो दोस्तों ये इतना कुछ एक दिन में कौन खाएगा, कौन खा सकता है, हम क्या हम खा रहे, ये तो नहीं हो रहा, उल्टा कुछ अलग ही हो रहा है। पूरी जिंदगी हमारी भागदौड़ वाली भरी हुई है। अनुप सर ने बहुत बढ़िया ये स्लाइड बनाई, पूरी भागदौड़ वाली जिंदगी है, पूरा जंक फूड ले रहे हैं हम, चाय कॉफी ले रहे हैं, और वो भी दूध वाला चाय ले रहे हैं, वो तो डेंजरस बताया जाता है, बहुत ही डेंजरस रहता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स और बहुत खतरनाक केमिकल्स उसमें पैदा होते हैं। हम फास्ट फूड लेते हैं दोस्तों, ये जो फूड रहता है ना वो देखो, ये सिर्फ आपका पेट भरेगा, और अगर ऐसा होता ना कि वो सिर्फ पेट भरता है बाकी कुछ नहीं करता तो एक चलो ठीक है, लेकिन वो पेट भरता नहीं, वो न्यूट्रिशन को भी कुछ नहीं देता, लेकिन वो बहुत सारी गड़बड़ी शरीर के अंदर पैदा कर देता है। ये चीज जो है ना ये बहुत तकलीफ देने वाली चीज है, और उससे ऊपर बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी आदतें भी रहती है। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, कोई गुटखा वगैरह पान मसाला वगैरह कुछ ऐसे लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, कोई ड्रिंक्स लेते हैं। दोस्तों हमें सबको मालूम है कि ये गलत है, ये बुरी आदत है, इससे कैंसर से चलते बहुत अलग अलग बहुत सारी बीमारियां आती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, एक तो खाने में कुछ आ नहीं रहा है और ऐसी बुरी आदतें हैं तो कैसे होगा। दोस्तों अगर दुर्भाग्यवश से अगर कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं वो आप धीरे धीरे उससे छुटकारा पा लो, बहुत जरूरी है आपकी सेहत के लिए और आपके परिवार के लिए, आपको अच्छा रहना चाहिए, तो इससे उबर कर आ जाओ।
और इसका लेकिन परिणाम क्या आता है, शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, हम नहीं दे रहे, शरीर क्या करेगा? देखो दोस्तों, आप न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, आप अच्छी तरह का खाना नहीं खा रहे, आप वक्त पे खाना नहीं खा रहे, आप जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे, लेकिन लेकिन आप चल रहे, आप भाग रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं, सब कुछ, सब ऑर्गन काम कर रहे हैं, और उसको काम करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सभी चीजें उसको चाहिए, और आप नहीं दे रहे, तो वो क्या करेगा? वो वही करेगा जो हम करते हैं जब हमारे घर में मेहमान आते हैं और घर में चाय रहता नहीं, शक्कर खत्म हो गई है, तो मम्मी क्या करती है, बच्चे को बोलती है जा बेटा पास वाले आंटी से थोड़ा शक्कर तो लेके आ। एग्जैक्टली बॉडी वही करती है, वो बोरो करती है, उधार लेती है न्यूट्रिएंट्स, इधर से मसल से लेती है, वो आरबीसी से लेती है, लाल रक्त पेशियां हैं उनसे लेती है, हड्डियों से लेती है, कार्टिलेज से लेती है, और भी बहुत सारे जो ऑर्गन से जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स स्टोर रहते उनसे वो बोरो करती है। लेकिन दोस्त, अगर आप बोरो करें तो वो चुकाना भी पड़ता है ना, किसी के साथ, किसी के पास से आपने कुछ अपने उधार लिया तो वो उसको वापस भी करना पड़ता है ना, और नहीं किया तो वो तकलीफ देगा ना आपको, वो कंप्लेंट करेगा ना। एग्जैक्टली वही होता है, और हमारा शरीर बन जाता है फिर हाउस ऑफ डिसीजेस, एसिड पेप्टिक डिसीजेस, अपचन तैयार हो जाता है, बहुत सारे अम्ल पित्त होता है, बहुत सारे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, बुखार आ गया, ये इंफेक्शन वो इंफेक्शन, ये वायरस वो वायरस, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, सर के बाल चले गए, जाने कहां गए वो दिन, गंजापन आ गया, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन चालू हो गया, डिप्रेशन, यानी फिजिकल से मेंटल बहुत सारे अलग 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 बीमारियां शरीर के अंदर इनवाइट किसने की, हमने की, वो अंदर आ गई, और हम क्या कर रहे, हम उसका उपाय किसी डॉक्टर के पास जाके ढूंढ रहे कि क्या ये डॉक्टर बड़ा अच्छा करेगा, ये मेडिसिन हमें अच्छा करेगा, दर्द कहां और इलाज कहां, हम हमारी लाइफस्टाइल सुधारने को तैयार नहीं है, हम जो भी कुछ गलतियां है वो दुरुस्त करने के लिए हम तैयार नहीं है, और सिर्फ हमें अच्छा होना है, ऐसा कैसे होगा दोस्त? जो भी कुछ गलतियां है वो सब गलतियां हमें ठीक करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये डिमांड ऑफ द टाइम है, ये टाइम की डिमांड है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, जो भी कुछ हमें कमियां हमारे आहार से हो रही है, हमने देखा कि जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहे हमारे आज के पोषण से, आज के आहार से, वो हमें बाहर से किधर से तो लेना पड़ेगा। तो हमारे पास दो चॉइस है दोस्तों, एक तो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल वो ले सकते हैं, या नैसर्गिक कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो निसर्ग से तैयार हुई है। तो दो चॉइस हमारे पास है, अगर आर्टिफिशियल ले तो ये केमिकल से तैयार हुआ है, उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं, उसका पोषण भी कम हो जाता है, सभी चैलेंजेस हैं, सभी प्रॉब्लम्स हैं। और नैसर्गिक बोलो तो बहुत सारी जैविक अनाज है, बहुत सारी बहुत ही कारगर ऐसी औषधि वनस्पतियां हैं, फ्रूट्स हैं, उसके सत्व निचोड़ के ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट तैयार किए गए हैं, हम वो भी ले सकते हैं। अभी है हमारे ऊपर है कि क्या करने का, लेकिन सवाल है कि समझो नैसर्गिक हम चलो लेंगे तो कहां मिलेंगे दोस्तों? इसीलिए आपके पास एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, वो लेके आई है आपकी हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही उम्दा ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी जो बीमारी है वो बीमारियां ठीक करने में आपको बहुत ही सहायक होंगे। देखो दोस्तों, बीमारियों का इलाज औषधि से तो होता है, औषध तो जरूरी है, लेकिन वो औषध किसके ऊपर काम करती है? शरीर के ऊपर काम करती है, और ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे आहार की कमियां पूरी करके शरीर ठीक करेंगे। तो अपने आप वो जो औषधियां आप आज ले रहे हो या कोई भी आपका पहचान वाला ले रहा है वो अच्छी तरीके से कारगर साबित होगी, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आप बहुत बार सुन चुके होंगे कि
डॉक्टर बोलते हैं कि अरे हमारी दवाइयां तो चालू है लेकिन ना अभी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही। अरे दवाई तो अच्छी है, पैसे भी दिए उसके, तो बॉडी रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो थक गई है। तो ये जो अवयवों की थकान है, ये थकान दूर करके एकदम चुस्त शरीर बनाना, ये काम इनका है। देखते हैं, बहुत सारे बढ़िया ऐसे प्रोडक्ट है कार्डियो केयर, यानी हमारे हार्ट के लिए इम्यूनिटी यानी प्रतिकार शक्ति। देखो कोरोना के टाइम ने हमें बता दिया, हमें सिखा दिया कि क्या होता है इम्यूनिटी। डिटॉक्स यानी शरीर के अंदर जो भी कुछ विषैले पदार्थ है वो निकालना, जो हमारी लेडीज जो रहती है घर में, हमारा बैकबोन है हमारे सबके घर का, तो उनकी केयर के लिए उनके लिए बहुत सारा कुछ प्रोडक्ट्स उसमें है। डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया रेंज इसमें है। बहुत सारे लोगों को संधिवात रहता है यानी आर्थराइटिस, जॉइंट की तकलीफ या रीढ़ की हड्डी की घिस गई है, डिस्क प्रॉब्लम बोलते हैं ना, तो डिस्क का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। इनको फिट रहना है, उनके लिए बहुत कुछ है। देखते हैं फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो प्रोटीन है। क्या बोला जाता है प्रोटीन? प्रोटीन ये हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे ईंट रहती है ना दोस्तों, आपको अगर आपकी आपका हाउस बनाने का है, आपका घर बनाना है, तो उसको ईंटें लगेंगी, तो ईंट का काम प्रोटीन करेगा। ओके, ईंट का काम प्रोटीन करेगा, इतना ये जबरदस्त है। कितना जरूरी रहता है? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। आपके जितना किलो आपका वजन है ना, उतने ग्राम, यानी आप अगर आप 60 केजी आपका वेट है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में चाहिए, एक दिन में। ओके, तो प्रोटीन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन के कौन कौन से काम है। दोस्तों हीमोग्लोबिन, हीम यानी आयरन और ग्लोबिन माने प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन अगर है तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। प्रोटीन कम है तो आपका आरबीसी का साइज कम हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका ऑक्सीजन लेवल फिर कम होता है। ओके, हमारा ब्रेन अगर अच्छा काम करना हम चाहते हैं तो हमें प्रोटीन अच्छा जरूरी है। आपको अच्छी भूख लगने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। पाचक स्राव तैयार करना उसका काम है। हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ सेल्स है ना, वो सेल्स डुप्लीकेशन का काम के लिए बहुत प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी, उसके लिए अच्छी तरीके से जो इम्यूनोग्लोबिन यानी प्रोटीन का एक प्रकार है, वो तैयार होना या वो तैयार करना, ये प्रोटीन का काम है। जो सेलुलर मैसेंजर्स यानी मैसेज देना, कुछ हो रहा है और आपको कुछ रिएक्ट करना है, इसके लिए कुछ मैसेज चाहिए ना जाना, तो वो काम भी प्रोटीन करता है। स्नायु अच्छी तरीके से डेवलप होना और स्नायुओं का काम अच्छा होना, हड्डियों का काम अच्छा होना, हड्डियां अच्छी तरह से मजबूत होना, ये प्रोटीन का काम है। आपके बाल, आपके नाखून अच्छे होना, ये प्रोटीन का काम है। और भी सारे बहुत काम है दोस्तों। हार्मोन्स डेवलपमेंट प्रोटीन का काम है, हार्मोन डेवलपमेंट प्रोटीन का काम है, स्त्री बीज पुरुष बीज तैयार होना, ये प्रोटीन का काम है। तो क्या नहीं करता प्रोटीन? 96% बहुत सारे जो काम है ना, वो प्रोटीन से हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। अब इस्तेमाल है, क्या आप पर्याप्त प्रोटीन ले रहे हैं आपके खाने में से? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हमारा खाना बहुत अच्छा हो जाता है। देखो मैंने आपको बताया कि आपका 60 किलो वजन है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में चाहिए। लेकिन अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो देखो दोस्तों, आप सामने देख रहे हो, आप ऐसा वैसा कुछ भी करके 30-35 ग्राम पर डे ही कंज्यूम कर सकते हैं। वो भी 2 गिलास दूध ले रहे हैं, 10-12 रोटियां खा रहे हैं, दोनों टाइम आप दाल चावल खा रहे हैं, ऐसा अगर पकड़े तो। और अगर इतना आप नहीं खा रहे हो तो ये 30-35 ग्राम से भी नीचे आ जाएगा। अभी जरूरत है 60 ग्राम पर डे की और आप कंज्यूम कर रहे हैं 25-30 ग्राम। तो आप ही सोचिए, अगर ये 30-35 ग्राम का डिफिशियंसी है तो तकलीफ होगा या नहीं, आपको थकान आएगी या नहीं, आपके बाल गिरना शुरू होगा या नहीं, सब कुछ होगा दोस्तों, सब कुछ होगा। ओके, तो और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन का रिसर्च है कि 80% जो इंडियंस हैं, 80% भारतीय लोग जो है ना, उनके खाने में पर्याप्त प्रोटीन नहीं जा रहा, पर्याप्त मात्रा में वो नहीं जा रहा है। उच्च क्वालिटी का प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और वेस्टेज का जो प्रोटीन है वो इसेंशियल अमीनो एसिड के साथ है। हर 10 ग्राम पाउडर में वो 8.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें मिलता है, ये बहुत बड़ा है। आज मार्केट में जो भी कुछ प्रोटीन्स अवेलेबल है ना दोस्तों, इससे सबसे ज्यादा मात्रा ये है।
बाजार में एक बहुत रिप्यूटेड ब्रांड है ब्रिटिश बायोलॉजिकल्स का बी प्रोटीन, वो बहुत रिप्यूटेड ब्रांड माना जाता है, उसमें 30% है, यानी 100 ग्राम में 30 ग्राम मिलेगा, यानी 10 ग्राम में 3 ग्राम मिलेगा, या 10 ग्राम में 8 ग्राम आपको मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बढ़िया ये प्रोटीन पाउडर है। सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये शुगर फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसमें कोई एसेंस नहीं है, चॉकलेट ऑरेंज ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी मिला के ये ले सकते हो, आप रोटी के साथ खा सकते हो, आपने इडली बनाया इडली के मिक्स करके ले सकते हो, आपने कोई शेक बनाया मैंगो शेक चिक्कू मिल्क शेक उसमें डाल के ले सकते हो, आप सिर्फ गर्म पानी में मिला के भी ले सकते हो, आपको जैसा चाहिए वैसा ले सकते हो। तो इसलिए शुगर नहीं होने की वजह से डायबिटीज वाले लोग भी इसको ले सकते हैं। तो इसमें आइसोफ्लेवन, आयरन और कैल्शियम इसमें है और बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट ये ऐसा है। दोस्तों मैंने जैसे बताया ना कि बाहर का आप जो भी कुछ हेल्थ ड्रिंक तोड़ के हम लेते हैं ना, या ऐसा बॉर्नविटा या अमूल प्रो या ऐसा कुछ भी, इसमें जो लिखा हुआ होता है एक बार पढ़ लो, उसमें आपको पता चलेगा कि कितना प्रोटीन है, 7-8 ग्राम प्रोटीन लगभग रहता है। बहुत ही महंगा ज्यादा है दोस्तों, बहुत ही महंगा। बाजार का कोई प्रोडक्ट आम ले लो तो 100 ग्राम प्रोडक्ट में सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन रहता है और उसके लिए हम 100-150 रुपए देते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है इसमें सिर्फ 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन है और उसके लिए हम सिर्फ 30 रुपए देते हैं, सिर्फ 30 रुपए। ओके, तो ये बहुत ही सस्ता जाता है और बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट हमें रिजल्ट देता है। दोस्तों जो हमारे घर में चिल्ड्रन रहते हैं ना, वो तो हमारे जैसे प्राण है। ओके, हमारी पूरी जिंदगी उनके उनके आंखों में हम देखते हैं, उनका बड़े होने में हमारा पूरा योगदान रहता है। लेकिन इन चिल्ड्रन के सामने कुछ हेल्थ इश्यू आजकल बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? फॉरगेटफुलनेस, याद नहीं रहता उनको, बहुत ही जो एग्जाम है ना एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं। जब उनका जन्म हो जाता है तो बर्थ वेट कम है, अच्छी तरीके से सेहत नहीं हो रही। बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं, कोई मोटा है तो कोई पतला है, किसी का कद नहीं बढ़ रहा, छोटा ही है वो, तो कोई बहुत ही लंबा हो रहा है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, उसमें आप देखोगे कि उनमें आजकल बिहेवियरल प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत चिड़चिड़े होते हैं। अब ये चिड़चिड़ापन क्यों आता है? बहुत सारे बच्चे उनके पेरेंट्स कंप्लेन करते कि वो अच्छा सोता ही नहीं, बहुत अस्वस्थ उसकी नींद है, पूरा बेड का चक्कर लगा लेता है एक रात में, सोते सोते ही एक जगह पे सोता ही नहीं। तो ये जो है ना, ये ब्रेन की अस्वस्थता बताता है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? बहुत ही बढ़िया उम्दा हमारे पास प्रोडक्ट इनविगो प्रोटीन। दोस्तों ये एक प्रोडक्ट ऐसा है, ये एक ही प्रोडक्ट में बच्चों के लिए आवश्यक पूरा न्यूट्रिशन भरा हुआ है, पूरा न्यूट्रिशन। उसमें प्रोटीन्स है, उसमें 6 प्रकार के मिनरल्स है, 8 प्रकार के विटामिन्स है, बच्चों के बढ़ने के लिए और उनकी प्रतिकार शक्ति के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक, ऐसा पूरा का पूरा पावर पैकेट ऐसा एक प्रोडक्ट हमें दिया है और बच्चों बहुत उसको प्यार करते हैं। चॉकलेट फ्लेवर्ड है तो बच्चे एकदम खुश। तो सुबह शाम एक एक चम्मच आप दूध में मिला के अगर एडवाइस करते हो, अपने बच्चों को देते हो, अपने फ्रेंड के बच्चे को देते हो, तो वो बहुत ही आपको धन्यवाद देगा, क्योंकि बच्चे वो बीमार होते ना पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है और खर्चे का तो बोलो ही मत। एक बार आप पेडियाट्रिशियन के पास लेके गए तो एंटीबायोटिक वगैरह वगैरह 400-500 रुपए तक का खर्चा जाएगा, तीन दिन का, और 3 दिन में वो ठीक भी होगा ऐसा बोल नहीं सकते। ओके, तो ये एक प्रोडक्ट उसको बीमारियों से हटा देगा। ओके दोस्तों, देखिए कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है, उसको अगर स्वस्थ रहना है तो उसको एक दिन में कम से कम 13 प्रकार के विटामिन और 11 प्रकार के मिनरल्स उसको हर रोज लेना जरूरी है, हर रोज। और ये लेने के लिए 8 से 10 प्लेट हमने पिछले एक स्लाइड में देखा, हमें बहुत सारी अलग अलग सब्जियां और फ्रूट्स लेने जरूरी है। क्या ये मुमकिन है, लगता है आपको? दोस्तों बहुत कठिन है लेकिन आसान हो सकता है। दोस्तों हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, वो है स्पिरुलिना। इसको बोला जाता है विश्व का नंबर 1 पूरक आहार, सुपर फूड बोला जाता है उसको, सुपर फूड। ओके, क्या है स्पिरुलिना? तो ये एक समुद्री शैवाल है,
ये समुद्री शैवाल है और बहुत पुराना है, बहुत बहुत पुराना, खरबों पुराना है। ये इसको बोला गया है विश्व का सबसे शक्तिशाली भोजन का स्रोत। क्यों? क्योंकि 1000 किलो सब्जियां और फ्रूट में जितना पोषण होता है ना, ध्यान से सुनो, 1000 किलो सब्जियां और फ्रूट, उसमें जितना पोषण होता है, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उतना सिर्फ 1 किलोग्राम स्पिरुलिना में होता है। 1 किलो या 1000 किलो क्या लेना पसंद करोगे, 1 किलो या 1000 किलो? तो 1 किलो आसान है। आप अगर देखें तो बाजार का कोई भी प्रोटीन का आप सोर्स ले लो, सोयाबीन ले लो, अंडा ले लो, दाल ले लो, दूध ले लो, कोई भी ले लो, उससे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन स्पिरुलिना में रहता है। और उस प्रोटीन है उसमें बहुत अलग अलग मिनरल्स और विटामिन्स रहते हैं। बीटवेल का सबसे शक्तिशाली स्रोत उसको माना गया है। वो बीटवेल लिगामेंट्स के लिए, मसल्स के लिए और ब्रेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसा ये एक विटामिन है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो स्पिरुलिना है, वो आयरन का एक बढ़िया स्रोत माना गया है। हम पालक की सब्जी बोलते हैं ना, लोह के लिए यानी आयरन के लिए अच्छी रहती है, तो पालक से 5 से 8 गुना ज्यादा आयरन, शक्तिशाली आयरन स्पिरुलिना में रहता है। बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए, ये भी जो कैरेट यानी गाजर रहता है ना, तो उससे ज्यादा 25 टाइम्स उसमें ज्यादा है। दोस्तों ये जो स्पिरुलिना है ना, वो स्पिरुलिना हमें इम्यूनिटी देता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शरीर को साफ रखता है, पाचन शक्ति को सुधारता है, और उसमें जो ये सारे अलग अलग विटामिन और मिनरल्स हैं, उससे एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के अंदर जो आते हैं, उससे कैंसर जैसी जो बीमारियां रहती ना, उसका खतरा कम हो जाता है। इतना बढ़िया है। और दोस्तों उससे बड़ी बात मैं आपको बोलूं कि ये जो स्पिरुलिना वेस्टेज का है ना, ये बहुत ही सस्ता है, आपके कटिंग चाय से भी सस्ता। अभी क्या बोलूं, दिन में अगर आप 2-3-4 कटिंग चाय ले रहे हैं, तो उससे 1 कटिंग चाय कम कर दो और दिन में 2 स्पिरुलिना ले लो, हो गया। चाय से तो आपका पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन इससे पूरा ठीक हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अभी हमारे हार्ट हेल्थ के ऊपर, बहुत ही जरूरी है। दोस्तों जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की 1995 में मेरी प्रैक्टिस चालू हो गई, तब 60-65 की उम्र के बाद में लोगों को हार्ट अटैक आते थे। ब्लड प्रेशर उस टाइम पे 60 साल के बाद लोगों को ये बीमारी लगती थी, लेकिन आज मेरे पास हार्ट अटैक आया हुआ कम से कम उम्र वाला जो पेशेंट है वो है 23 साल का। 23 साल, सोच सकते हैं आप, 23 साल, ये क्या उम्र है। मेरे पास जिनका ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर वाले बच्चे हैं, बच्चे 17 साल से नीचे अभी तक मेरे पास 8 पेशेंट आ चुके हैं हाई ब्लड प्रेशर के, सोच सकते हैं। लेकिन ये हो रहा है, और उसके जो रीजन है वो तो हमने पहले देखे कि क्या हो रहा है, अभी हम देखते हैं उसको ठीक कैसे करना है। चलो आगे जाते हैं। उसको ठीक करना है तो पहले उसको समझना होगा कि ये क्यों होता है। जैसे देखो दोस्तों, यहाँ दो जो आर्टरी यानी हमारी जो रक्त की नलियां रहती है, खून की नलियां जो शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है, उनका चित्र यहाँ बताया गया है। एक पहला चित्र जो है वो है खुली धमनी, नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी, और दूसरा आप देख रहे हैं उसमें ब्लॉकेज चालू हो गया है। ओके, वो प्लेक तैयार होना चालू हो गया है। क्यों होता है? हमारे खाने में जो गलत फैट आता है ना, उसको LDL बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो जो वनस्पति घी में रहता है, तेल में रहता है, डालडा में, तली हुई चीजें जो हम खाते हैं ना, वड़ा पाव या समोसा, सेव, ऐसे जो तली हुई चीजें जो हम खाते हैं ना, उसमें ये बहुत ज्यादा पैमाने पर रहता है। तो ये जो है ना, वो शरीर के अंदर जाता है और वहां ही वो चिपक जाता है। अब ये जो LDL बढ़ने की और एक वजह मैं आपको बताता हूं, जब आपको टेंशन ज्यादा है ना,
आप बहुत ही मानसिक दृष्टि से आप शांत नहीं रहते, आप अस्वस्थ है, तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये ब्लॉकेज बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो हमें वो भी ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों की जो ये गलत जो फैट है ना वो हमें कम करना चाहिए और अच्छा जो फैट है वो हमें बढ़ाना चाहिए, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो रहता है वो अच्छा फैट रहता है, वो जो बुरे फैट को वो पिघला देता है, वो खून के जरिए साफ करता है, क्योंकि ये जो ऐसी नैरोइंग जो रहता है ना ये फैट का आप देख रहे हैं यहाँ जमा हुआ, तो ये सिर्फ हृदय की धमनी में नहीं रहता, ये ब्रेन में भी हो सकता है, ये किडनी में भी हो सकता है, और जैसा ये हार्ट अटैक आता है ना वैसा ब्रेन में अगर ऐसा गड़बड़ी हो गई तो पहले से ही अटैक आ जाएगा, किडनी में हो गया तो किडनी फेल्योर का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ओके, तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, ये हमें ठीक करना चाहिए और ठीक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए दोस्तों हार्ट अटैक देखते हैं ये कैसा है और क्या आज क्या हो रहा है। देखो ये ब्लॉक कैसा होता है ये दिखाया गया है पहले जो पिक्चर है उसमें, और दूसरा देखिए बाईपास कैसे करते हैं, यानी बीच वाली नली आप देख रहे हैं वहां वो ब्लैक है, वहां ब्लॉक हो गया है तो क्या करे, तो एक डायवर्जन लगा दिया। ओके, एक डायवर्जन लगा दिया तो अच्छी तरीके से खून वहां पहुंचना चालू हो गया, तो ये इसको बाईपास बोला जाता है, और एंजियोप्लास्टी इसे बोला जाता है। तो ये जो प्लेक है उसमें एक नली डाली, ओके, तो उसमें एक स्टेंट रहता है और ये बबल जो है उसको बड़ा किया जाता है और फिर वो निकाल दिया जाता है, वो स्टेंट वहीं का वहीं रह गया, इसको बोला जाता है एंजियोप्लास्टी। ओके, एंजियोप्लास्टी ये सर्जरी यहां बताई गई है। अभी हमें अगर ऐसे उसको ठीक करना है बिना सर्जरी कुछ ठीक करना है, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉस्टली हो गया, अगर बाईपास है तो वो 2.5-3 लाख या ज्यादा ही हो गया, और एंजियोप्लास्टी है तो एक आपको आर्टरी का ठीक करना है तो 75,000 to 1 lakh एक आर्टरी का, अगर दो है तो 1.5-2 lakh, 3 है तो और ज्यादा, ऐसा सब कुछ वो चलता है। दोस्तों ये जो होता है ना क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर विसरल फैट यानी हमारी पेट में जो कैविटी है ना उसमें जो फैट रहता है वो बहुत ही डेंजरस रहता है। शरीर के बाहर स्किन के नीचे फैट होना अलग बात है, और ये आपके विसरा में यानी उधर हमारा जो पेट रहता है उसके अंदर का जो पूरा पार्ट है उसके बाजू आजू बाजू में फैट रहना उसको विसरल फैट बोलते हैं, उसका प्रेशर आता है सभी ये ऑर्गन्स के ऊपर और वो बहुत अलग अलग बीमारियां पैदा कर देता है, और ऐसे लोगों को हार्ट अटैक की बीमारियां होने का बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है। इसके लिए क्या है हमारे पास, फ्लैक्स ऑयल बहुत ही बढ़िया है, अलसी के बीजों से ये फ्लैक्सीड ऑयल तैयार किया जाता है, और इसमें अल्फा लिनोलिक एसिड जो है ना ये हृदय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अंदर का जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको पिघला देता है। ये जो ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसको नॉर्मल पे लाता है, फिर इसके हमने किडनियां भी अच्छी तरीके से काम करती है, ये आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आंखों का भी ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, वो जो कलर ब्लाइंडनेस रहता है ना उसमें भी ये बहुत कारगर साबित होता है। मांसपेशियों के लिए, गर्भावस्था में, मधुमेह लोगों के लिए यानी डायबिटीज वाले लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है फ्लैक्सीड ऑयल। अभी आगे जाते हैं हमारे कुकिंग ऑयल के साथ। अभी हम अलग अलग कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कोई सूर्यफूल इस्तेमाल, कोई सोयाबीन, कोई मूंगफली का तेल इस्तेमाल करता है, लेकिन दोस्तों सबसे बढ़िया अगर आपको मिले और सबसे सस्ते दामों में मिले और वो आपकी सेहत के लिए सबसे टॉप अगर होगा तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? दोस्तों पिछली लाया है आपके पास लाइट हाउस राइस ब्रैन ऑयल, जो ब्राउन चावल रहते हैं ना उसकी ऊपरी तरफ से ये तैयार किया जाता है, ये हाई स्मोक ऑयल है, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, शुगर फ्री है, और इसमें विटामिन ई, ए और डी ये भरपूर रहते हैं। इसमें ओरिजिनल नाम का एक जो एंजाइम है ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही आवश्यक, बहुत ही उम्दा ऐसा प्रमाणित है। दोस्तों ये जो राइस ब्रैन कुकिंग ऑयल है ये इसका बोलबाला अभी दुनिया भर में है, तो ये हमारे पास मौजूद है, तो हमारा जो भी कुछ परिवार है उसके लिए
ये हमें इस्तेमाल करना ही चाहिए। जैसे ये हृदय को स्वस्थ रखता है, उसे महिलाओं में मेनोपॉज में समय में होने वाली जो समस्या है ना, उसमें भी ये बहुत कारगर रहता है। हमारी त्वचा के लिए अच्छा है, कैंसर से बचाव के लिए इसमें बहुत सारे घटक रहते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम स्नायु तंत्र के लिए अच्छा है। ओके, तो ये हमें इस्तेमाल करना बहुत ही लाभदायक साबित होगा। दोस्तों देखते हैं कार्डियो केयर क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास है। दोस्तों वेस्टिज में है कोएंजाइम क्यूटेन, फ्लैक्स ऑयल, कोकोनट ऑयल, एल आर्जिनाइन और आयुसंधि प्रोकार्ड। दोस्तों ये ऐसे प्रोडक्ट है, ये हार्ट की बहुत अलग अलग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये जो प्रोकार्ड है वो उसमें अर्जुना, अश्वगंधा, लहसुन और गुगुल ये तत्व है जो लिपिड प्रोफाइल, अगर लिपिड में कुछ गड़बड़ी है तो लिपिड के आपको ठीक करेगा, आपको वो कारगर साबित होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा आपके। जो यहाँ एल आर्जिनिन जो है उसके सैचेट रहते हैं और वो सैचेट शरबत जैसा हमें पानी में घुला कर हमें उसका घोल बनाकर हमें पीना रहता है। दोस्तों इससे हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है ना वो इमीडिएटली बढ़ता है। वो कॉरोनरी हार्ट डिसीज वाले जो पेशेंट है उसके लिए बहुत ही बढ़िया ये एल आर्जिनिन जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों डायबिटीज ये बीमारी आजकल बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। क्या है डायबिटीज के सिम्टम्स, किसे बोलते हैं हम? पहले तो ऐसा है सर, सब लोग ध्यान रखिए कि डायबिटीज जब किसी को होता है तो ऐसा नहीं होता कि आपको इमीडिएटली कुछ तकलीफ होना चालू हो गया, लेकिन आपको साइलेंटली कुछ चीजें आप समझ सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा बार बार थके रहते हो, आपको बार बार यूरिनेशन को जाना पड़ रहा है, सडन आपका वेट लॉस हो रहा है, आपके जो समझो वुंड हो गए तो वो ठीक नहीं हो रही है, आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है आपको, आपको पैरों में थोड़ा नमनेस लग रहा है, झिझनी आ रही है, बहुत प्यास लग रही है, सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम आप फील कर रहे हो, महिलाओं में ज्यादा बार बार यूरिन इन्फेक्शन आपको हो रहा है, तो आपको जरूरी है एक बार आप आपकी शुगर लेवल टेस्ट करो, ब्लड शुगर लेवल जाके आप टेस्ट करो। दोस्तों ये जो बीमारी है डायबिटीज की पूरे दुनिया भर में फैल रही है, लेकिन भारत में और एशिया में ये बहुत ही ज्यादा पैमाने पे बढ़ रही है और इसकी तरफ हमें थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। डायबिटीज कैसा होता है ये एक बार थोड़ा आप जान लो तो आपको पता चलेगा कि इससे हमें कैसे ठीक होना है। दोस्तों हम जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज तैयार होता है और वो हमारे खून में आता है। अभी ये खून में का जो ग्लूकोज है ना वो हमारे शरीर अवयवों की तरफ जाना चाहिए, तो उससे वो आहार उनका आहार रहता है, उससे वो ऊर्जा पैदा कर देते हैं। लेकिन वो कौन पहुंचाता है, तो हमारे पेट में जो स्वादुपिंड नाम का अवयव रहता है पैनक्रियास, उसमें इंसुलिन तैयार होता है, वो इंसुलिन वो ग्लूकोज लेता है और अलग अलग अवयवों को वो पहुंचाता है। लेकिन क्या होता है, दुर्भाग्यवश ये जो इंसुलिन है वो कम मात्रा में पैदा चालू होता है, तो जो शुगर है वो वही की वही खून में पड़ी होना चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं हम ब्लड शुगर बढ़ गया, डायबिटीज हो गया। तो इसमें क्या क्या करना जरूरी है, तो इसमें एक्सरसाइज तो जरूरी है, बहुत जरूरी है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, इसमें भी पिछला कुछ भूलने का नहीं है। तुमने देखा ना आपको एक्सरसाइज है, आपको अच्छा सोचना है, आपको रेस्ट लेना है और बाकी का हम अभी देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन में जो कमी है वो कमी कैसे हम कंप्लीट करें। तो इसमें आयुशांति का ग्लूकोहेथ बहुत ही बढ़िया है, नीम और स्टीविया ये जो है ना ये शुगर फ्री टैबलेट जैसा है, लेकिन इन दोनों जो चीज है जो प्रोडक्ट है ना इससे डायबिटीज में आपको हेल्प होगा शुगर कम होने में। लेकिन सिर्फ एक ध्यान रखो, किसी की दवाई अगर चालू है तो दवाई को बंद नहीं करने का, उसके साथ में ये देने का, ओके, तो शुगर जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी और उसको अच्छा फायदा हो जाएगा। थायराइड की बीमारी भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो थायराइड से क्या होता है, जो हाइपोथायराइडिज्म रहता है ना तो उसमें वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दिल की धड़कने बहुत ज्यादा तेज होती जाती है, बहुत ही ज्यादा बाल गिरना चालू हो जाता है, डिप्रेशन महसूस करता है पेशेंट और सारे बहुत सारे कुछ लक्षण रहते हैं। तो उसमें क्या क्या दे सकते हैं, तो उसमें फ्लैक्स ऑयल, प्रोटीन, स्पिरुलिना और टॉक्सक्लीन नाम के जो प्रोडक्ट है ना ये बहुत अच्छे साबित होते हैं। दोस्तों वेट मैनेजमेंट ये एक बहुत बढ़िया सेक्टर है जहां हम कुछ काम कर सकते हैं।
क्योंकि मोटापा जो है ना, ये मोटापा बहुत अलग अलग बीमारियां लेके आता है। शुरू होता है तो वो हरी बत्ती रहती है, बाद में वो पीली होती है, और कब वो लाल बत्ती में जाती है पता ही चलता नहीं। ओके, क्योंकि इसमें कैंसर से जॉइंट प्रॉब्लम तक, डायबिटीज, क्या नहीं होता, इतनी अलग अलग बीमारियां वो लेके आ सकता है। लेकिन इसके लिए वेस्टिज में बहुत शानदार कोई प्रोडक्ट है, उसमें वेस्लिम शेक, वेस्लिम टी और वेस्लिम टैबलेट, ये तीन प्रोडक्ट ऐसे हैं ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। दोस्तों थोड़ा आप इसके बारे में जानकारी ले लो, और अगर आपने अच्छी तरीके से इसे इस्तेमाल किया तो 1 महीने के अंदर 2 से 5 kg वेट लॉस हो सकता है, और आपकी बहुत सारी तकलीफें ये कम कर देगा। दोस्तों आर्थराइटिस, बहुत सारे हमारे परिवार वाले या आसपास के लोगों को आर्थराइटिस की भी तकलीफ रहती है, तो आर्थराइटिस में बहुत सारे आर्थराइटिस रहते हैं, लेकिन इसमें जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है ना, इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा कुछ हम उसको दे सकते हैं। कैसे रहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस देखते दोस्तों, कि एक तरफ आप देख रहे हैं एक घुटना है वो नॉर्मल है, वो उसका जो कार्टिलेज है वो आप देख रहे हैं हेल्दी कार्टिलेज, और दूसरा घुटना आप देख रहे हैं वो डैमेज कार्टिलेज है। अभी वो जो ऐसा डैमेज कार्टिलेज है, तो जब वो पेशेंट उसका घुटना हिलाता है, वो अंदर से कट कट आवाज भी आता है, उसको पेन भी होता है। दोस्तों सच बात बोलूं, ऐसी बीमारी के लिए आज कुछ भी इलाज नहीं है, कुछ भी इलाज नहीं है, किसी पैथी में भी नहीं है, क्योंकि ये औषधियों से ठीक वाली बीमारी है ही नहीं, तो औषधियों से कैसे ठीक हो जाएगी, वो न्यूट्रिशन से ठीक होती है, और वो जो न्यूट्रिशन है वो हमारे पास है, ये तो कितनी बढ़िया बात है। उसमें कैल्शियम है, ग्लूकोसामाइन है, और वेस्टिज कोलेजन है। दोस्तों ये ऐसी चीजें हैं जिससे जो कार्टिलेज अंदर से घिसता है ना, वो पहले एक तो वो स्टॉप हो जाएगा, दूसरी चीज जो हड्डियों का डिजेनरेशन है वो पहले स्टॉप हो जाएगा, और तीसरी चीज जो वहां कार्टिलेज की टिश्यू अच्छी है वो बढ़ना भी चालू हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 2 से 4 महीना लगेगा, लेकिन हो जाएगा। दोस्तों ये जो बीमारी है ना, लोग बहुत हैरान है उससे, क्योंकि उसको कोई उपाय ही नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं कि आप जितना सहन होता है उतना आप करो, और जब प्रॉब्लम आ जाए, बढ़ जाएगा, तो ऑपरेशन करवा लो, 1 घुटने को 2 लाख 2.5 लाख। लेकिन ये पेशेंट 8-10 हजार में पूरा ठीक हो सकता है। ओके, तो थोड़ा आप उसके तरफ ध्यान दो, उसका थोड़ा आप इंफॉर्मेशन ले लो, तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें कैल्शियम है ना दोस्तों, वो विटामिन डी के साथ है, और ये नेचुरल कैल्शियम में होने की वजह से शरीर के अंदर जमता नहीं, वो अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब हो जाता है, और जो ग्लूकोसामाइन है वो ग्लूकोसामाइन कार्टिलेज डीजनरेशन रोकने के लिए तो बहुत कारीगर है, लेकिन इसके साथ इसमें कॉन्ड्राइटिन, कॉन्ड्राइटिन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसा है कि जो कैल्शियम रहता है उसका शोषण होने के लिए, उसका एब्सॉर्प्शन होने के लिए, और एब्सॉर्प्शन होने के बाद हड्डियों में वही रहने के लिए, जिसको बोला जाता है रिटेंशन ऑफ कैल्शियम, क्योंकि आपने कैल्शियम दिया लेकिन हड्डियों ने उसको रखा नहीं, तो फिर वो खोखला बन जाएगा। ओके, तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टिन बहुत ही बढ़िया रहता है। दोस्तों इसके साथ ही हड्डियों का सवाल है, तो और एक बीमारी जो है ना ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियां खोखली होना, ये बीमारी रहती है। ओके, देखते हैं हम वो जो आप 3 यहाँ देख रहे हो रीढ़ की हड्डियां, ऊपर वाला नॉर्मल है, बीच वाला ये प्रॉब्लम चालू हो गया ऑस्टियोपेनिया बोलते हैं, और नीचे वाला अगर रीढ़ की हड्डी देखे तो आप देखते हैं कि उसमें कुछ है ही रहा ही नहीं है, दीमक लगी हुई जो लकड़ी रहती ना वो वैसा लग रहा है वो, और ये कभी भी टूट सकता है, और ये टूटने के बाद इसको कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि उसको नेलिंग प्लेटिंग यानी प्लेट डालकर उसको स्क्रू डाला जाता है ना, वो स्क्रू भी बैठता है ना उसमें, तो ये अगर ऐसा हो गया ना तो पेशेंट पूरा जिंदगी भर लेटा रहेगा, तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी है। तो इसमें हम बहुत कुछ अच्छा लोगों को मदद कर सकते हैं दोस्तों, ये प्रोटीन है, स्पिरुलिना है, कैल्शियम है, ग्लूकोसामाइन है, फ्लैक्स ऑयल है, इससे ये पेशेंट ठीक होना धीरे धीरे चालू होते हैं। दोस्तों ये जो हम बिजनेस बोल रहे हैं, हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ये सिर्फ बिजनेस वाला बात नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बदलने की बात है। किसी ऐसे मरीज जो पूरा लेटा हुआ है उसको आप उठाने वाले हो, ये कितनी बड़ी बात है। वुमेन्स केयर, हमें मालूम है हमारे घर में जो भी कुछ औरतें रहती है उनकी वजह से हम नए पूरा घर है, तो उनका जो प्रॉब्लम्स है
उनके लिए बहुत ही कुछ अलग और बहुत ही कुछ बढ़िया प्रोडक्ट्स इसमें एक नंबर का है फोलिक और आयरन कैप्सूल, जो खून की कमी आ रही थी वो भरने के लिए ये बहुत बढ़िया है। उसके साथ में इसमें है शतावरी मैक्स। शतावरी को बोला जाता है आयुर्वेद में स्त्री मित्र, स्त्री का सबसे बड़ा अच्छा दोस्त, उसकी अच्छी दोस्त जो है वो शतावरी है, वो हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करती है। ओके, और क्रैनबेरी नाम का जो प्रोडक्ट है वो बार बार होने वाला जो यूरिन इन्फेक्शन है ना उसको ठीक करके उसको प्रतिकार शक्ति देने के लिए बहुत बढ़िया है। दोस्तों प्रतिकार शक्ति की बात देख ली तो इम्यूनिटी, हमें मालूम है इम्यूनिटी किससे बोलता है हम, तो जो शरीर की ताकत रहती है, शरीर की प्रतिकार शक्ति हम बोलते हैं, व्याधि प्रतिकार शक्ति इसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, अंदरूनी ताकत जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन वो बचने के लिए शरीर के अंदर बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो चाहिए। हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन बी चाहिए, सभी विटामिन जरूरी है। अगर वो है तो हम ये फाइट कर सकते हैं। क्या है ये फाइट करने के लिए विशेष के विशेष ने लाया बहुत उम्दा एक पूरा का पूरा फैमिली है, उसमें है विशेष कोलेस्ट्रॉल, नोनी, स्पिरुलिना, एलोवेरा, आमला और नया आया है सी बकथॉर्न। ये बहुत ही बढ़िया ऐसे प्रोडक्ट है जो हम इस्तेमाल करके जो आज हमारे ऊपर अलग अलग अटैक हो रहे हैं, जैसे आज ये कोरोना का अटैक हो रहा है पूरी मानव जाति के ऊपर, तो दोस्तों कोरोना से बचाव तो जरूरी है। हम मास्क यूज करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग यूज करेंगे, हम सैनिटाइजर यूज करेंगे, सब ठीक है। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश वो आपके घर में आता है, आपके शरीर के अंदर उसका प्रवेश होता है, तो सवाल है आपकी बॉडी उसको कैसे फाइट करेगी। ये फाइट तय करेगा कि आपकी जिंदगी कैसी होगी, आपकी जिंदगी कितनी खुशहाल होगी, आप कितने जल्दी उससे बाहर कराओगे या आप उससे नीचे 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 जाओगे। ये समय की मांग है कि ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल, नोनी, स्पिरुलिना, एलोवेरा, आमला और सी बकथॉर्न, हम सब ने उसको कंज्यूम करना डेली, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दोस्तों आप ले लो, सिंगल डोज लेने के बाद आप फर्क महसूस करना शुरू कर दोगे, आपको फ्रेश लगेगा, एकदम चुस्त तंदुरुस्त लगेगा आपको। ओके, एक ही देखते हैं उसमें का बहुत कुछ है, सब तो बोल नहीं सकते, लेकिन जो नोनी है ना, मोरिंडा सिट्रोफिलिया इसका लैटिन नेम है, और मलबारी फ्रूट भी उसको बोलते हैं। इसमें बहुत अलग अलग विटामिन रहते हैं और मिनरल्स है, लेकिन उसका सबसे अच्छा काम कैसे होता है कि जो हमारे कोशिकाओं के ऊपर छिद्र रहते हैं जिनसे न्यूट्रिएंट्स अंदर आते हैं, यानी विटामिन सी आपने ले लिया, नींबू का शरबत आपने ले लिया उसमें विटामिन सी है, आपने आमला खा लिया उसमें विटामिन सी है, वो अंदर जाने के बाद वो सेल के अंदर कैसे जाएगा, तो उसको कुछ पोर्स रहते हैं ना, तो वो पोर्स को बड़ा करने का काम ये नोनी करता है, तो इसी वजह से ये न्यूट्रिएंट जल्दी जल्दी अंदर आना चालू हो जाता है। ओके, तो इससे याददाश्त बढ़ती है, इससे जो टेंशन है वो टेंशन कम करने के लिए नोनी फायदेमंद साबित होता है। सबसे ज्यादा उसकी ताकत है एंटीवायरल, वायरल के खिलाफ लड़ने का उसका बहुत ही बढ़िया उसकी ताकत है। जो उसका और एक फैंटास्टिक उसका प्रॉपर्टी है वो है ट्यूमर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जो गाठिया रहते हैं ना, किधर भी गांठ शरीर के ऊपर आती है ना, तो उसको पिघलाने का उसका उसके अंदर एक प्रभाव है, उसका एक गुणधर्म है, ये बहुत बढ़िया है। तो इसको हम अच्छी तरीके से बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे एक बढ़िया, हम अंत की ओर जा रहे हैं तो इसके बिना नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब आपने कर दिया, लेकिन अगर आपके शरीर में जो भी कुछ टॉक्सिन्स है अगर वो हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये सब कुछ करके कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। तो डिटॉक्स यानी शरीर को साफ सुथरा रखना, शरीर के अंदर की जो भी कुछ विषैले रसायन संचित है उसको बाहर निकालना, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या है, क्या थोड़ा देखते हैं शरीर में टॉक्सिन कैसे जमते हैं, कैसे आते हैं। तो हम जो भी कुछ खाना शरीर के अंदर आते हैं या हम कुछ भी गलत जो भी कुछ सोच हमारे ब्रेन में आता है उस सभी से शरीर के अंदर टॉक्सिन आते हैं। यानी आपने ज्यादा कॉफी चाय पी लिया, अल्कोहल ले लिया, आपका बहुत स्ट्रेस चल रहा है, आपने स्मोकिंग कर लिया, आप बार बार कोई ये दवा वो दवा ले रहे, कमर दुखती है तो किधर भी जाएंगे मेडिकल में थोड़ा वो सुमो दे दो, कोई कॉम्बिफ्लान लेता है, ऐसा कुछ मेडिसिन बार बार लेने की आपको आदत है, या आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं इसलिए आपने कोई दवा खाई है, या कोई बड़ी बीमारी आपको दुर्भाग्यवश हो गई थी, होता है कभी कभी,
लोगों को 6 महीना 9 महीना दवाइयां लेना पड़ता है, या कोई लोग 5-5 साल दवाई ले रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे कारणों से शरीर के अंदर ये जो केमिकल्स आते हैं, जो जो टॉक्सिन्स आते हैं ना, वो कहाँ अटैक करते हैं, वो अटैक करते हैं हमारे लीवर के ऊपर। लीवर में ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो वहां होता है। अभी हम कैसे पहचान सकते हैं कि आपको डिटॉक्स की जरूरत है या क्या है, कैसे पहचान सकते कि आपको है? देखो, आप बार बार आपको अस्वस्थता महसूस हो रही है, आपको बार बार कहीं सर में घूमना या ऐसा चक्कर आना जैसा महसूस होता है, आपको बार बार थकान महसूस हो रही है, आपको कोई भी दवाई के रिएक्शन बार बार होती है, आपको डकार आती है बार बार, ओके, आपको खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता, आपको ये खाना नहीं चलता, वो खाने से ये होता है, वो खाने से ये होता है, ऐसा आपके बारे में कुछ है, आपका सरदर्द बार बार हो रहा है, अगर ये ऐसी चीजें और उसके साथ में आपको नींद के प्रॉब्लम है, नींद आपको जल्दी नहीं आती या बार बार नींद से आप जाग रहे हैं, तो दोस्त कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि स्किन में आपको इसका रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा और सबसे इमीडिएटली दिखेगा, स्किन प्रॉब्लम्स आपको बहुत बड़े पैमाने पे आ जाएंगे, ओके। तो अगर ये है तो आपको डिटॉक्स की बहुत जरूरत है। दोस्तों, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स कैसे आते हैं? तो ये तो लंग्स से आ सकते हैं, स्किन में से आ सकते हैं, या हमारे आंतड़ों से यानी इंटेस्टाइन से आ सकते हैं। इधर भी आए वो उसका पूरा जो भी कुछ पृथक्करण होगा, प्रोसेस होगा, वो होगा लीवर में, और लीवर से फिर वो फिर निकलेगा किधर से? या तो स्किन से, किडनी से, यानी यूरिनेशन द्वारा, हमारी मल प्रवृत्ति द्वारा, या सांसों द्वारा ये निकलेगा। लेकिन प्रॉब्लम इसका ये है कि कई टॉक्सिन्स वाटर सोल्युबल रहते और कई फैट सोल्युबल रहते, और अगर ये टॉक्सिन्स, ऐसा भी हो सकता है वो हमारे जॉइंट्स में जाके बैठे, हमारे ब्लड में जाके बैठे, हमारे स्किन में जाके बैठे, मसल्स में जाके बैठे, जहां बैठेंगे वहां वो कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो टॉक्सिन्स है उनको निकालना भी जरूरी है, और इसके लिए क्या है हमारे पास? तो यहाँ है फाइबर, डिटॉक्स, फूड पैच, कर्क्यूमिन प्लस, गैनोडर्मा और आई सपोर्ट, ओके दोस्तों। तो ये जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है। ये जो डिटॉक्स फूड पैच है वो पैरों को लगाना है या शरीर के अलग अलग पार्ट्स के भी हमें उसको चिपकाना रहता है। उसके अंदर कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं वो उस पार्ट से बहुत ही विषैले पदार्थ वो खींच लेगी, और दोस्तों जब आप रात को लगाने के बाद सुबह देखेंगे तो पूरा पैच आपको देखेगा, आप काला हो गया है ऐसा देखेंगे आप, पूरे टॉक्सिन्स वो सोख लेता है, और जैसे वो टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं आपको वो पार्ट में जो दर्द है या कोई प्रॉब्लम है वो कम हो रहा है, ऐसा आप महसूस करोगे। आई सपोर्ट है, ये जो आई सपोर्ट है मैं बोलूंगा दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है, और सबसे ज्यादा जरूरी वो डायबिटीज वाले लोगों को है, या ऐसे लोग जो 50 साल के ऊपर जिनकी आयु है उन्होंने हर रोज लेना चाहिए। वो हमारे आंखों के जो पीछे जो रेटिना रहता है ना, उसकी हेल्थ के लिए है बहुत ही अच्छा, और आपकी दृष्टि का सुधार होने के लिए वो अच्छा आपको फायदा दे सकता है। उसके साथ में डिटॉक्स के लिए एक बढ़िया प्रोडक्ट वो है टॉक्स क्लीन। इसमें ऐसे आयुर्वेदिक औषधियां हैं वो शरीर के अंदर से लीवर में जो भी कुछ ये विषैले पदार्थ हैं वो उनको निकाल के बाहर फेंकती है। ऐसे बहुत ही बढ़िया कोई वनस्पतियां हैं, तो इसका सबका फायदा हम ले सकते हैं। जो गैनोडर्मा है, ये गैनोडर्मा ये मशरूम है, और इसको जड़ी बूटियों का राजा बोलते हैं, जड़ी बूटियों का राजा। और इसकी विशेषता ये है, जब हम लेते हैं ना, दिन में 2 बार आप एक एक कैप्सूल लेते हैं, तो ये शरीर के अंदर जाके ये स्कैन करेगा, जैसा हम कंप्यूटर में स्कैनर लगाते हैं ना वायरस स्कैन के लिए, वो पूरा हर एक डिस्क चेक करता है, वैसा ये गैनोडर्मा जब आप लेते हैं वो शरीर को चेक करेगा किधर गड़बड़ी है, और वो वहां जाके वो ठीक करेगा। ऐसी ये चमत्कारिक जड़ी बूटी है, ये गैनोडर्मा है। वैसे डायटरी फाइबर, ये सोल्युबल फाइबर है, पानी में डाल के घुलमिल वो शरबत जैसा आप पी सकते हैं, दिन में 2 बार आप ले लो, आपका पेट भी साफ हो जाएगा, आपका अगर ब्लड प्रेशर आपको बीमारी है वो कम हो जाएगा, आपकी शुगर कम होने में वो सहायता करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने में सहायता करेगा, सभी गुण इसमें है, जबरदस्त है, ओके। फूड पैच के बारे में तो हम देख चुके हैं दोस्तों, जब डिटॉक्स की बैच है
बात है तो मैं अवश्य बोलूंगा, ये दोनों जो जुड़वा है ना, वो जुड़वा आपको इतनी जबरदस्त मदद करेंगे कि आप कभी सोच नहीं सकते। एक्सट्रैक्ट एफ और एक्सट्रैक्ट वी, वी माने वेजिटेबल्स, 7 जबरदस्त वेजिटेबल्स का एक्सट्रैक्ट इसमें है और 13 फ्रूट का एक्सट्रैक्ट वो फ्रूट वाले में है, जो लाल देख रहे हैं ना शरबत जैसा, जब आप वो लेते हैं ना दोस्तों, इतनी जबरदस्त एनर्जी आप में भरेगी और ये पूरा टॉक्सिन साफ होने में ये आपको मदद करेगा। सुबह खाली पेट आपको वेजिटेबल वाला लेना है और शाम को खाली पेट आपको फ्रूट वाला लेना है। तो ये जो उसका नाम तो मुझे इतना प्यारा लगा, द बेस्ट ऑफ मदर नेचर, जो हमारी माँ है प्रकृति माँ, उसका जो बेस्ट है वो आपके लिए लेके आए है वेस्टीज। तो ये सैचेट है, पानी में मिला के, नॉर्मल पानी में मिला के शरबत जैसा, बहुत बढ़िया उसके टेस्ट है, आप जरूर लेकर देखो। तो आप कितने भी थके हो, आपने एक गिलास पी लिया ना तो गिलास खत्म होते होते आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी तो आप कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये होता है क्योंकि हमारी वो जरूरत रहती है, वो इमीडिएटली वो पूरा कर देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया ऐसी ये जुड़वा है, आप उनका जरूर फायदा उठाएं और डिटॉक्स और रिजुनेट करें खुद को। तो दोस्तों हमने पूरे लगभग ये 1 घंटे में हमने क्या देखा, हमने एक हैप्पी और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में देखा। मैंने आपको कभी नहीं बताया कि आप ये बीमारी तो आप ये ले लो, ये बीमारी तो आप ये ले लो। सॉरी दोस्तों, ये लाइफस्टाइल डिसीज जब रहते हैं ना तो हमें सब चीजें हमें करेक्ट करना जरूरी है। आपको एक्सरसाइज करना है, आपको अच्छी सोच जरूरी है, आपको रेस्ट जरूरी है, और न्यूट्रिशन में जो आप खाना खाते उसमें जो भी कुछ मैंने आपको नियम बताए वो नियम की तरफ आप गौर करो, वो करो, और जो भी उसमें कमियां हैं उसको, वो कमियों को ये जो वेस्टिश डाइटरी सप्लीमेंट्स है उसके साथ आप अगर पूरा करते हो तो ये होगा आपके हेल्दी लाइफ का रास्ता। ओके, तो ये रास्ता आपको मिले, आप सभी आपके घर परिवार सहित अच्छी सेहत पाए और अच्छे ही ऐसे ही अच्छे रहे और लोगों को भी आप खुशियां दें, ऐसी मनोकामना मैं करता हूँ, ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम फिट तो इंडिया फिट। आपका दोस्त रवि सिंह।